दरभंगा में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार संजय कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज मिथिला में शिक्षा में काफी गिरावट आई है, अगर हम जीत कर आते हैं तो उच्च शिक्षा में काफी सुधार किया जाएगा। दरभंगा के दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार संजय कुमार मिश्र ने बलभद्रपुर स्थित कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला में आज शिक्षा की काफी गिरावट आ गई है, अगर वह जीत कर जाते हैं तो उच्च शिक्षा में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक और प्रोफेसरों की घोर कमी है, जिसे दूर करने के लिए वह सदन में आवाज उठाएंगे। इसके अलावा मदरसा और संस्कृत शिक्षकों की स्थिति के साथ साथ नियोजित प्राथमिक माध्यमिक स्तर पुस्तकालय अध्यक्षों का दोहन और प्रताड़ना, वित्त रहित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, अल्पसंख्यक माध्यमिक महाविद्यालय की समस्या प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उसमें काफी सुधार लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में हजारों स्वीकृत पद रिक्त पड़े हुए हैं, नए रोजगार के अवसर बंद हो चुके हैं। इसके अलावा सूता मिल, चीनी मिल, अशोक पेपर मिल बंद है और इसमें कार्य कर रहे कर्मी बिना वेतन के सेवा निर्मित हो चुके हैं। बरसों से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न है, जिसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मैथिली शिक्षकों की पद स्थापना नहीं किया गया है, सभी विभागों में अस्थायी पदों को ही समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में सभी स्नातक मतदाताओं के समस्या के समाधान हेतु और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाकर मिथिलांचल के विकास हेतु संकल्पित है। वही संजय मिश्र ने कहा कि दरभंगा से एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर दिलीप चौधरी अपनी हार मान वोटरों को प्रबोधन देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा उन्हें यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया जाना आचार संहिता के दायरे में आता है। उन्होंने कुलपति से आग्रह किया कि अगर उन्होंने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो वो दो दिनों के बाद कुलपति के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुलपति द्वारा दिलीप चौधरी की नियुक्ति की गई है सरासर गलत है। वहीं कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह ने बिहार के कुलाधिपति से कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की है। पत्रकार सम्मेलन में मौजूद राम शुभम चौधरी, मणिकांत चौधरी, राहुल कुमार झा, मोहम्मद चांद मूसा कलीम आदि मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज़। करता है वह घर घर जाकर मैं उनसे अपील करूंगा, जो मेरे ओर से संजय मिश्र स्नातक प्रत्याशी बनकर सभी मतदाताओं से संपर्क करें। मैं मतदाताओं से वादा करता हूं, जो मेरी पहली प्राथमिकता होगी, जो मिथिला की जो पावन धरती है, इस पावन धरती की जो गरिमा है, खोई प्रतिष्ठा है, उसको पुनः वापस लावें। पतित पावनी माँ गंगा, बेगूसराय की धरती जो दिनकर की धरती है, वहाँ दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना, मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, मिथिला में मैथिली की पढ़ाई 1 से 10 वर्ष तक होना, मैं स्नातक चुनाव की तैयारी शिक्षकों के आंदोलन के माध्यम से शुरू किया था। मैं आपके माध्यम बताना चाहता हूँ कि यदि मैं जीतता हूँ और महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो शिक्षित नियोजित शिक्षकों की जो मांग है, जो सरकारी काम के बदले सरकारी वेतन व सरकारी कर्मियों के दर्जा, वह मेरी पहली प्राथमिकता होगा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।